आज बंगाल के कोने कोने से आए हुए इतनी लाखों की संख्या में सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। पूरे देश के कोने कोने से आए हुए कई पार्टियों के नेतागण जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, उन सब लोगों को भी मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आज भारत की राजनीति में एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया, इस देश का कबाड़ा कर दिया। आज इस देश की जनता मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी से बुरी तरह से परेशान हो चुकी है। आज देश का युवा परेशान है, आज इस देश का युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है। मोदी जी ने धोखा दे के झूठ बोल के देश के युवाओं से वोट लिया था कि मैं तुमको इतने करोड़ नौकरियां दूंगा। आज नौकरियां देना तो दूर, मोदी जी की नोटबंदी की स्कीम की वजह से 1.25 करोड़ नौकरियां देश के अंदर खत्म हो गई हैं। आज देश के किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से देश के किसान बहुत गुस्सा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की फसलें बर्बाद होती है, तो मोदी जी और अमित शाह उनको इंश्योरेंस कंपनियों के हवाले कर देते हैं। किसान की फसल बर्बाद होती है तो किसान को कहते हैं जाके इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लो, और इंश्योरेंस कंपनियां किसकी हैं? मोदी जी के दोस्तों की हैं इंश्योरेंस कंपनियां। किसान जब इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है उसको कोई पैसा नहीं मिलता। आज किस इंश्योरेंस कंपनियां हजारों हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा कमा चुकी है और किसान को एक पैसे का मुआवजा नहीं मिलता। आज इस देश की महिलाएं दुखी हैं, बीजेपी की नेता महिलाओं को सोशल मीडिया पे गंदी गंदी गालियां देते हैं और मुझे शर्म आती है कहते हुए मेरे देश का प्रधानमंत्री उन गाली देने वालों को फॉलो करता है ट्विटर पे। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि मेरे देश का प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को ट्विटर पे फॉलो करता है जो लोग हमारे देश की महिलाओं को गालियां देते हैं। आज इस देश के दलित दुखी हैं, पूरे देश के दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जगह जगह दलितों को मॉब लिंचिंग में मारा जा रहा है। आज इस देश के मुसलमान दुखी हैं, जिनके ऊपर जगह जगह अत्याचार किया जा रहा है। दोस्तों, पिछले 70 साल से जब से देश आजाद हुआ है, इस देश को कमजोर करने के लिए ढेर सारी ताकतों ने पूरी कोशिश की। पिछले 70 साल में पाकिस्तान का सपना था कि किसी भी तरह इस देश के टुकड़े करो, इस देश को बांटो। 70 साल में जो पाकिस्तान नहीं कर पाया, 5 साल के अंदर मोदी और अमित शाह ने करके दिखा दिया। दोस्तों, 5 साल के अंदर मोदी और अमित शाह ने इस देश के लोगों के अंदर जहर भर दिया। हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, मुसलमान को क्रिश्चियन से लड़ा दिया, इसको उससे लड़ा दिया, उसको इससे लड़ा दिया। जो काम 70 साल में पाकिस्तान नहीं कर पाया, वो काम 5 साल के अंदर मोदी और अमित शाह ने करके दिखा दिया।
दोस्तों इनकी जोड़ी इस देश को बर्बाद कर देगी। मैं जितना सोचता हूं उतना मेरा शरीर कांप उठता है। अगर ये दोनों दोबारा 2019 में आ गए, अगर मोदी और अमित शाह दोबारा 2019 में आ गए, दोस्तों ये देश नहीं बचेगा। ये इस देश को बर्बाद कर देंगे, ये इस देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आज लाखों लाखों की संख्या में आप लोग जो आए हैं, दूर दूर तक हजारों लाखों लोग दिखाई दे रहे हैं, वो एक ही सपना लेके आए हैं, किसी भी हालत में हमें मोदी और अमित शाह की जोड़ी को दिल्ली से उखाड़ के फेंकना है। दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह ने एक रैली में बोला था कि अगर 2019 के अंदर भाजपा की सरकार बन गई तो 2050 तक भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। अमित शाह ने ऐसा क्यों बोला था? उन लोगों के इरादे बड़े खराब हैं, उन लोगों के इरादे खतरनाक हैं। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई, दोस्तों ये संविधान बदल देंगे, इस देश में चुनाव बंद करा देंगे। 1931 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। जब हिटलर और जर्मनी का चांसलर बना 1931 में, कुछ महीनों के अंदर उसने देश का संविधान बदल दिया, उसने चुनाव खत्म कर दिए। और जब तक हिटलर मरा नहीं, वो जर्मनी का चांसलर रहा। जो हिटलर ने किया था, मोदी और अमित शाह की वही मंशा है। वो इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं, वो इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहते हैं, वो इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों कुछ भी करो, 2019 में इनकी जोड़ी को दोबारा सत्ता में मत आने देना। मुझे कई लोग पूछते हैं अगर मोदी नहीं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं उनको कहना चाहता हूं, 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, 2019 का चुनाव मोदी और अमित शाह को भगाने का चुनाव है। दोस्तों मैं अंत में केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, इस देश में जो सच्चा देशभक्त है, जो इस देश के बारे में सोचता है, जिसके मन में भारत के लिए जरा सी भी भावना है, एक ही बात ठान लो, कुछ भी करो, कुछ भी करना पड़े। जितने लोग सामने बैठे उनको भी कह रहा हूं और जितने लोग स्टेज पे बैठे उनको भी कह रहा हूं, कुछ भी करना पड़े 2019 में इनको भगाओ, मोदी और अमित शाह को। सच्चे देशभक्त की आज यही जरूरत है। मैं ममता दीदी को बहुत बहुत पूरे देश की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं जब आज आया था बहुत बड़ी चिंता लेके आया था, लेकिन आज इतना अपार जनसमूह देख के और स्टेज पे बैठे हुए इतनी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को देख के, आज मैं सुकून के साथ वापस जा रहा हूं कि मोदी और अमित शाह जाने वाले हैं, देश के अच्छे दिन आने वाले हैं।